हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद राघव सर। सो गाइज, वर्ड ऑफ द डे की सीरीज में आज का जो वर्ड है वो मैं बता दूं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी को लेकर वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। द वर्ड इज DIRGE। व्हाट इज दैट? DIRGE, इट्स प्रोनंसिएशन इज डर्ज। व्हाट इज दैट? डर्ज। द डेफिनेशन, अ डर्ज इज अ ब्रीफ हिम्न और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस लैमेंटेशन और ग्रीफ एंड इज जनरली कंपोज्ड टू बी परफॉर्म्ड एट अ फ्यूनरल। Yes, ये एक छोटा सा कोई हेम या सॉन्ग होता है जो कि लैमेंटेशन या ग्रीफ यानी दुख को शो करता है और इसको बनाया जाता है किसके लिए? एक फ्यूनरल पर परफॉर्म करने के लिए। Yes, in lyric poetry, a dirge is typically shorter and less reflective or meditative than an elegy। मतलब कि lyric poetry में elegy से अगर इसको कंपेयर करें तो ये काफी ज्यादा शॉर्ट होता है और लेस रिफ्लेक्टिव भी होता है। अब आप कहेंगे elegy क्या होती है, तो गाइज मैं ये आप पर छोड़ता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। मैंने आपसे कहा कि ये फ्यूनरल पर परफॉर्म किया जाता है, तो डर्ज अगर हिंदी में हम इसको थोड़ा सा गलत तरीके से पढ़ें और इसको बोले डर गए, तो डर गए मतलब फ्यूनरल पर यानी किसी की डेथ हुई है, किसी की डेथ हुई तो वहां पे घोस्ट होगा, तो हम डर गए। क्या हुआ? डर गए। सो गाइज, डर्ज इज अ सॉन्ग दैट इज परफॉर्म्ड एट अ फ्यूनरल। ओके गाइज, अगर टर्म अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, keep smiling and keep learning. Thanks for watching.